आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो आपके पास ये एक ट्यूब है, ये देखो ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के यहां आपने एक बबल बना दिया, एयर बबल है। इस ट्यूब के राइट पे भी आपने एक बबल बना दिया, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, एयर बबल है। मतलब आपने वो सोप फिल्म से किस तरीके से ये डायग्राम बना दिया, और एयर का फ्लो अलाउड है, एयर अंदर बाहर जा सकती है। तो क्वेश्चन आएगा, बताओ एयर कहां से कहां जाएगी, छोटे से बड़े बबल में कि बड़े से छोटे बबल में, या कोई फर्क ना पड़ेगा? हाई टू लो प्रेशर मतलब कि इसमें बड़ा छोटा बबल में, बताओ, छोटे से बड़े में। देखो नॉर्मली लोग गलत कर देते हैं, कहते हैं बड़े से बड़े में बहुत हवा है, वो दे ही देगा छोटे को, फुला देगा, जब तक उनका साइज सेम नहीं होता तो हवा मूव करती रहेगी। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, जो इसके अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा है, क्योंकि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 4T/R होता है। जितना छोटा रेडियस उतना बड़ा प्रेशर, तो प्रेशर इसके अंदर बढ़ा है और रेडियस इसका बढ़ा है तो प्रेशर इसके अंदर छोटा है। तो एयर मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो मैंने लिख दिया व्हेन टू बबल्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप, एयर मूव फ्रॉम बबल विद अ स्मॉलर रेडियस टू द बबल विद लार्जर रेडियस। ये मार्क करना है।